जो मेरे एक डाउट था वो डाउट ये है कि जो लोग उलमा हैं तो उन लोगों के पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं रहते हैं और उनके पास फाइनेंशियली वो उतना स्टेबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे जैसे आप लोग अभी जो म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे थे, तो कोई स्पेसिफिक जो है नेम के साथ अगर बताया जाए, आप लोग जो है बहुत समरी बता रहे हैं वो नेम के साथ डिटेल्स में बता दिए, जो जो जिस पे जाके वो डायरेक्ट कुछ कर सके और उसके जो है आइडिया जो है थोड़ा डिटेल्स में मिले तो वो हेल्प होगा इस वजह से जो है। जी, सबसे पहले सेब भाई, हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो नहीं बात कर रहे थे अभी, और म्यूचुअल फंड्स का सवाल एक अलग है। शेयर मार्केट का जो हुक्म है वही म्यूचुअल फंड्स का हुक्म होगा। म्यूचुअल फंड्स में अभी वही सेम बात होगी कि वो शेयर्स जिनमें डीलिंग हो वो सही होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपका सवाल है, क्या कोई बिजनेस मॉडल जो एक मान लो इमाम है मस्जिद के, या मस्जिद में जो मुअज्जिन है या खादिम है या दीनी तालीम देते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, क्या वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए कुछ मशवरे दें, आप ये चाहते हैं? तो जी हम बिल्कुल उनको उनके बिल्कुल लिए कई मशवरे दे सकते हैं इंशाल्लाह। फौज भाई, आप स्टार्ट करो। जी। जैसे सबसे अच्छा मशवरा उनके लिए मेरा ये है कि क्योंकि उनकी पढ़ाई और उनकी जो तालीम है वो दीनी मरहले में हुई है, दीनी फील्ड में हुई है, जी और वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, किसी न किसी मदरसे से, यानी नदवा है जैसे लखनऊ में या और जगह है, वहां से वो मतलब मुंसलिक होंगे, वहां से वो रिलेटेड होंगे, वहां से वो फारिग होंगे, उनके पास वहां की सनद यानी कि डिग्री भी होगी। इनको, इन लोगों को ये चाहिए कि बहुत एक इस तरीके से शॉर्ट टर्म कोर्सेज को डिजाइन करें। डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए, 15 दिन के, 20 दिन के ट्रेनिंग्स हो गई, यू नो महीने महीने भर की तजवीद की ट्रेनिंग हो गई, या कुछ और कोई छोटा मोटा कोर्स हो गया जैसे स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट करके कोई कोर्स हो गया। उसके बाद वो कुछ एग्जामिनेशन मॉड्यूल डिजाइन करें व्हाट्सएप के जरिए, या कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कुछ एक ऐप बनाने के जरिए वो उसकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करें, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें। अगर आप 10-20 लोग भी लेकर के आ गए एंड यू कैन चार्ज फॉर दैट, जाहिर है कि आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी वहां पर कॉस्ट इनकर हो रही है, यू कैन चार्ज फॉर दैट, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। देखिए आजकल बहुत सारे लोग हैं जो वोकेशनल कोर्सेज करा रहे हैं बहुत सारी ऐप्स पे, यू नो बहुत सारी ऐप्स पड़ी हैं इंटरनेट पे, तो हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते? हम ये क्यों सोचते हैं कि दीन का अगर कोर्स है, दीन की कोई पढ़ाई है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए? आप अगर वेस्ट की तरफ देखेंगे, आप अगर मिडिल ईस्ट की तरफ देखेंगे, तो वहां जितने बड़े आलिम हैं, जितने बड़े स्कॉलर्स हैं, जो कोर्सेज कराते हैं दे चार्ज फॉर इट, यू नो, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है, उनको भी अपनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना है, तो दे कैन चार्ज सम गुड अमाउंट, और उससे इंशाल्लाह उनके लिए बहुत अच्छा काम शुरू हो सकता है। प्लस इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जो जो तलबा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके, उनको कुछ ना कुछ छोटी मोटी डिग्रीज मिल सकती है, कुछ सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, कुछ डिप्लोमा डिग्रीज मिल सकती है, जो कि अल्टीमेटली उनकी उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक रहेंगी या वेरीफाइड रहेंगे कि जहां से उन्होंने फरागत अपनी हासिल करी है। जी भाई, आपको सबसे पहली चीज जो भाई ने बताया ना, मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये अपने मस्जिद के इमाम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि उनको फाइनेंशियल जरूरत है, उन तक पहुंचाएं कि क्या प्लान जो फौज भाई ने बताया ना, ये लॉकडाउन से ये चीज बहुत बड़ी मार्केट इसकी ओपन हुई है कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन टीचिंग। आप क्या जानते हैं? अरबिक जानते हैं, तजवीद जानते हैं, आप हिफ्ज कराना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्लास लो, जूम बेस क्लास, गूगल मीट में क्लास पढ़ा सकते हैं, और ये इसके बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल यानी पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है। यानी कि हो सकता है कोई अमेरिका से बच्चा आपके पास पढ़ने आएगा, बस आप अपना एक एक इमेज बना लो, अपनी अपने अपने उस हो सकता है व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो, हो सकता है आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोल करके उसमें डाल दो, और कहां हो सकता है जहां जहां हो, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, अपने आप को वहां पे प्रमोट करें के, और उसके अंदर ये इमेज के अंदर डाल सकते हैं फॉर ट्यूशंस, कॉन्टेक्ट दिस नंबर फॉर कोर्सेज। फर्स्ट भाई उससे आगे का एक स्टेप बोल रहे थे, वो ये था कि कोई कोर्स डिजाइन करके, अब देखिए मिसाल के तौर पे गूगल फॉर्म होता है ना, उसमें भी क्वेश्चन आंसर का एग्जाम लिया जाता है, तो आप सिंपल तौर पे कोई कोर्स बना रहे हो। उन्होंने कहा ऐसे बस 50 मौजू है, जैसे किससुल अंबिया, अंबिया की स्टोरीज हो गई, या बच्चों की क्लासेस है, या फिर बड़ों में कितने सारे लोग अरबिक सीखना चाहते हैं, तजवीद सीखना चाहते हैं, कुरान पढ़ने नहीं आता है। अच्छा चलो सैफ भाई, मुझे बात बताओ, एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप खुद भी कोई उसी फील्ड से ताल्लुक है आपका, या आप कहीं जैसे ऐसे ही पूछ रहे हैं सवाल? नहीं, मैं पढ़ाता हूँ टीचिंग फील्ड से। आप क्या पढ़ाते हैं, बोलिए, मिसाल दीजिए, क्या पढ़ाते हैं, एक मिसाल दीजिए। जैसे मैं जामिया इस्लाम, ये क्या कहते हैं, जामियतुल इमाम बुखारी से मेरी फरागत है, मैं बुखारी हूँ। ओके माशाल्लाह, आपका आपका अरबिक लैंग्वेज आती है? तो अरबिक लैंग्वेज आती है, और मैं अभी यहाँ कर्नाटक में एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर रह के तो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। अभी मैं लाइव शेयरिंग करके आपको बताऊंगा। देखिए एक आइडिया ये भी है कि आप कोर्स बना करके अपलोड करो कुछ वेबसाइट्स पर, जैसे अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब ये एडेक्स वेबसाइट है, अब ये एडेक्स का मैंने वेबसाइट आपके साथ शेयर की, देख रहे हो आप लोग?
अब मैं इसके अंदर सर्च करूंगा अरेबिक लैंग्वेज, सपोज करो अरेबिक लैंग्वेज। अब अरेबिक लैंग्वेज सिखाने वाले कितने स्पीकर, कितने कोर्सेज है, तो आप देख सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पर ये एडेक्स हो गया। चलो एडेक्स के अलावा मैं जाता हूं, एक मिनट रुकिए। फर्स्ट में वो कौन सी वेबसाइट है कोर्सेज की, कोर्सेज यूडेमी, मैं एडेक्स पे आ गया, मुझे एक्चुअली यूडेमी पे जाना था, करेक्ट। यूडेमी बहुत अच्छा है, एडेक्स नहीं, यूडेमी पे जाओ। तो मैं यूडेमी पे गया, अब यहां पर मैं अरेबिक लैंग्वेज करके सर्च किया, आपको दिख रही है ना स्क्रीन, अभी मैं लाइव कर रहा हूं सर जी। अब देखो 9500 कोर्स है अरेबिक जुबान सिखाने वाले, कितने, 9500 कोर्स। अच्छा अब इसके अंदर देखो ये टॉप पे जो आ रहा है अरेबिक लैंग्वेज कोर्स, कितने का है इसका प्राइस, देखो 400 रुपए का, हाँ जी 400 रुपए का है, लेकिन कितने लोगों ने स्टार्स दिया है, 1418 लोगों ने स्टार दिया। मैं कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ, 1418 को आप डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, सॉरी डिवाइडेड बाय 0.10, क्यों बता रहा हूँ क्यों, पहले करिए आप, यानी कि उसका दसवां हिस्सा, हाँ जितने लोगों ने कोर्स किया होगा उसके कम से कम 10% ने रिव्यू किया होगा। अच्छा यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर तो बाय 10, तो कम से कम उससे 10 गुना लोगों ने कोर्स किया होगा, फवाज भाई ये बोल रहे हैं सही है ना, तो 14,180 और 400 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने का बिजनेस किया इन्होंने मालूम है, 56 लाख रुपीज का बिजनेस किया है, समझ लो। ये पहला कोर्स ऊपर दिख रहा है ना आपको, मैं बड़ा करूं, इन्होंने 56 लाख रुपीज का बिजनेस किया है। अच्छा अभी इसमें नीचे, लेकिन मैं आपका नेगेटिव पार्ट भी बताऊंगा इसका, इसके नीचे देख रहे हो, ये देखो 3,755 लोगों ने रेटिंग दिया इसको, 22 घंटे का कोर्स बनाया इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज का, 22 घंटे का कोर्स बनाया है, 400 रुपए में सेल कर रहे हैं, और कितने लोगों ने रेटिंग दी है, 3735, ठीक है, इनटू 400 करो, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर रहा हूं, तो ये इन्होंने 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है ये सेकेंड कोर्स ने, 1.5 करोड़, हाँ। और इसके अंदर ये Udemy क्या है ना, 70% रेवेन्यू खुद रखता है, सिर्फ 30% कोर्स क्रिएटर को देता है, 30%, लेकिन 30% भी बहुत है। अब उन्होंने 1.5 करोड़ का बिजनेस किया, अगर आप 30% देखोगे इसका कितना हो गया, 45 लाख हो गया, 45 लाख हो गया तकरीबन, हाँ 45 लाख हो गया। मतलब क्या, अब ये तो मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही लाइव में एक मिसाल दे दिया, ऐसी दसों मिसालें हैं, ऐसी दसों मिसालें हैं, और अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया है, तो मैं एक ऑनलाइन कोर्सेज का ऑप्शन एक दिया हम लोगों ने, ऑनलाइन कोर्सेज का, ऑनलाइन ट्यूशन एक हुआ, ऑनलाइन कोर्सेज सेकंड हुआ, हाँ इसको ये जो है एडिटिंग करना, इसको इसमें जो है कंटेंट रेडी करना, उसके लिए जो पीपीटी ऑनलाइन है, क्या एडिटिंग करना, टाइपिंग करना, ट्रांसलेशन करना, हम जो कोर्स जो रेडी करेंगे तो उसमें जो है वो सीखना भी तो पड़ेगा ना, उसके लिए कोई अलग ऐसा है ना, आपको एडिटर फ्रीलांसिंग में मिलते हैं आजकल, क्या है ना एडिटर वगैरह बहुत ज्यादा लोग खुद के मोबाइल से कर लेते हैं, आप अच्छा वीडियो बनाओ अपने मोबाइल से और मोबाइल से एडिटिंग कर लो। और जो आप बोल रहे हो ना, अब इसके अंदर मान लो कि कोई चीज है तो fiverr.com एक हुआ, हाँ fiverr.com, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये भी शेयरिंग करके बताता हूँ, यहाँ जाके आदमी प्रोफाइल क्रिएट करे, ये फाइवर एक ही नहीं, ऐसे दसों बैठे हैं, फाइवर हो सकता है इसमें बहुत पॉपुलर है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसलेशन आता है अरबिक ट्रांसलेशन करना, चलो इंशाल्लाह हो जाए, तो देखो अभी यहाँ पे अरबिक ट्रांसलेशन, इसके अंदर अकाउंट बनाओ और अरबिक ट्रांसलेशन में देखोगे कितने सारे लोग जो है ना ये ट्रांसलेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी यानी जस्ट मैंने एक थोड़ा सा डेमो दे दिया, आई थिंक फिलहाल तो यहाँ पे ये एक सेकेंड लाइन हो गई कि fiverr.com पे अपने प्रोफिशिएंसी के हिसाब से बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं ना, देखिए शरिया एडवाइजर बनो अपने एरिया के अंदर, बिजनेसेस को शरिया एडवाइजर बनो, उसको थोड़ा अपनी नॉलेज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपग्रेड करेंगे तो आप बिजनेसेस को शरिया एडवाइजर, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बिजनेसेस को शरिया की फिक्र होनी चाहिए कि मैं शरीयत की लिमिट को तोड़ तो नहीं रहा हूं, मैं कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा हूं, और ऐसे शरिया एडवाइजर्स की सर्विसेज लेनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, अभी मैं कुछ ऐसे हम लोग आइडियाज बता रहे थे, उसी तरह एक और चीज है जिसके अंदर काउंसलिंग, कि मान लीजिए मिसाल के तौर पर कुछ लोग जैसे जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कुछ चीजों में, मैरिज के इश्यूज वगैरह बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स ये खिदमत के तौर पे हो सबसे बेस्ट है, लेकिन कुछ एक सर्टन चीज, कोई फीस वगैरह भी एक सर्टन लेवल पे चार्ज की जा सकती है काउंसलिंग की।
और इमाम अपने आप को वो लेवल पे बनाए, मैच्योर बनाए, जो प्रॉब्लम्स को समझे माशरे के ना क्या प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन दें, उनको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने की कोशिश करें, तो काउंसलिंग का, ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह भी बहुत कुछ है। एक और चीज है, एक और काम ये हो सकता है कि अपनी यूट्यूब चैनल बनाए वो इमाम, और यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करें। यूट्यूब चैनल में आपको पता है एड रेवेन्यू तो हलाल के अंदर मशकूक बात है, क्योंकि उसमें कुछ हलाल है बहुत कुछ हराम है, लेकिन ज्वाइन बटन के जरिए जो चीज आएगी वो हलाल होती है, कि कोई ज्वाइन बटन दबाता है उसमें कुछ चार्ज देता है पर मंथ, पैसे देता है, वो एक हलाल इनकम है, ज्वाइन बटन के जरिए है, या सुपर चैट के जरिए भी जो चीज आती है वो हलाल होती है, तो वो इमाम अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है। तो ये तो बस अभी बताया, अभी आपको पता है ऐसे दसों और आइडियाज है, जितना सोचेंगे उतने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें रखी है। हो सकता है कि कोई एक छोटा मोटा स्टॉल वगैरह लेकर के रेंट पे दिया जाए, हो सकता है कि कोई मस्जिद का नमाजी उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसा एक इन्वेस्टमेंट करके दे दे जिसके जरिए उनकी एक साइड इनकम स्टार्ट हो जाए। देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इमाम वगैरह जो कुछ हराम बिजनेस करते हैं, हराम बिजनेस के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे तावीज बना के बेचना, ये हराम चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अल्लका तमीमतन फकद अशरका, जिसने तावीज तमीमा लटकाया उसने तो शिर्क किया। तो बहुत सारे इमाम जो अपने हालात से मजबूर होते हैं वो इस तरह से, बहुत सारे दूसरी जगहों पर ऐसे देखा जाता है कि लोग अपने तावीज बना के बेचते हैं, ये हराम चीज है, ये हराम कमाई हो गई। उसी तरह से कई सारी जगहों पर ऐसे जो बाबा वगैरह बन जाते हैं और फिर हर कोई उनके मुरीद बन के उनको उनको चढ़ावे चढ़ाते हैं उनके ऊपर, इस तरह से चीजें होती है, वो भी एक चीज होती है जो गलत है। लेकिन जो कुछ ऐसी चीजें काहिन वगैरह टाइप के काम भी, कुछ मैं गलत लोगों की बात बता रहा हूँ लेकिन बस एक आगाह करने के तौर, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ। तो अब हलाल जब वो सब हराम काम तो नहीं कर सकते ना, जो इमाम जो तौहीद वाले इमाम है, जो कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं, जो शिर्क के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग हराम काम बिजनेसेस वो लोग नहीं करेंगे। तो उनके लिए इमामों को, मुक्तदियों को सोचना चाहिए कि भाई हमारे इमाम की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो कैसे हम उनको फाइनेंशियली उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो, ऐसा वो इंडिपेंडेंट कैसे हो, उनको किस तरह से सपोर्ट करें, ऐसा कुछ प्लान बनाना चाहिए वो लोगों को। और ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट जमा करके एक छोटा स्टॉल ले लिए, एक छोटी दुकान ले लिए, ताकि उनके फैमिली के खर्चे चलते रहे। मैं तो चाहता हूं सबसे बेस्ट ये कि इमाम अपनी खुद की इनकम से दीन की दावत का काम करें, इतना इंडिपेंडेंट हो जाए। और एक चीज, हमारे बैतुल माल हमारा अच्छा कायम होना चाहिए, जिसमें ऐसे सब इमामों को, दावत दाइयों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो लोगों के प्रॉब्लम्स ना हो बल्कि उनकी पूरी किफालत लेनी चाहिए। एक होता है सैलरी, एक होता है किफालत। तो यानी सैलरी में बस सैलरी तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा, लेकिन एक होता है कि पूरी तरह से किफालत हो, यानी कि उनका खर्चा, कभी हॉस्पिटल, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, खर्चा आ गया, तो वो भी वो संभालें। इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए कम्युनिटी को, ताकि वो लोगों को फाइनेंशियल तौर पर प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने कुछ मशवरे दिए। हाँ जी, अभी कोई ऐसी जो नॉलेज है जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फाइनेंशियली जो है हेल्प करते हैं, जो हमारे लिए जायज है, हम ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जो है किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं है जी, सूदी ना हो, ऐसी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती है, और गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर भी एक कुछ पॉसिबिलिटीज होती है कई सारी। जी फौज भाई, आप कुछ बताएंगे? गवर्नमेंट कोर्सेज हैं बहुत सारे, खासतौर पर मदरसा स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्टेट्स में कोर्सेज हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो वहाँ पर भी ये लोग ये फायदा उठा सकते हैं, वो एडिशनल स्किल अपने आप पे डेवलप कर सकते हैं वहाँ पर। ये कंप्यूटर कोर्सेज हैं, एडिटिंग कोर्सेज हैं, जैसे भाई ने भी पूछा भी था बीच में कि एडिटिंग का भी काम है इसमें, तो अपने से वो रिलेटेड जो भी फील्ड सेलेक्ट करना चाहे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, जो एक पर्टिकुलर टेन्योर का कोर्स हो रहता है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं प्रोफेशनली सेटल कर सकते हैं अपने आप को। जी, बाज स्टेट के ना कुछ ऐसे गवर्नमेंट के सपोर्ट भी, फंड सपोर्ट चीजें भी होती है, बाज ऐसा भी होता है कि कुछ यानी कि मदरसे के टीचर्स को कुछ कॉलेजेस में ऐसा टीचर का भी जॉब मिल जाता है साथ में, ऐसा कुछ स्टेट्स में ऐसा सुना गया है कि ये पॉसिबिलिटीज भी होती है, तो देखिए एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह। हाँ, उम्मीद करता हूँ सैफ भाई हम लोगों ने कुछ चीज आपके साथ कीमती शेयर की होगी। माशाल्लाह, बहुत सारी मुफीद बातें सुनने को मिली, इंशाल्लाह खैर करे आप लोग।